अस्सलाम वालेकुम। हमारी बॉडी में ब्रेन के बाद सेकंड नंबर पर स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ऑलमोस्ट बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये ग्रे मैटर जो कि सेंटर में और वाइट मैटर पर मुश्तमिल होता है। एंटीरियर, इसके आगे वाले पार्ट में एंटीरियर मीडियन फिशर और पोस्टीरियर यानी पिछले हिस्से में पोस्टीरियर मीडियन सल्कस मौजूद होता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि अगर कोई इंजरी या कोई डैमेज जो कि स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दे या फिर इसको कम्प्लीटली या पार्शली डिस्ट्रॉय कर दे, तो इससे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी और किस तरह हमारी बॉडी इफेक्टिव होगी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की टू टाइप्स होती हैं, इनकम्प्लीट स्पाइनल एंड कम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में दोनों मोटर और सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाते हैं, यानी मूवमेंट भी ख़त्म हो जाती है और सेंसेशन या फीलिंग्स वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जबकि इनकम्प्लीट इंजरी की अगर बात की जाए तो इसमें पार्शली मोटर या सेंसरी लॉस होगा, जिसकी वजह से ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक ये दरमियान का जो रास्ता होगा वो इफेक्टेड होगा और सही से सिग्नल नहीं पहुंच सकेगा और इसकी वजह से हमारी बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पर याद रहे कि जो एबनॉर्मेलिटी होगी वो मुख्तलिफ पार्ट्स जो स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं, जैसे थोरेसिक, लंबर, सर्वाइकल और कॉक्सीजियल, ये जिस पार्ट पर इंजरी होगी उससे बिलो पार्ट इफेक्टेड होगा, उससे ऊपर वाला पार्ट नॉर्मल वर्क करेगा। कुछ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज जिनमें एक टेट्राप्लेजिया और पैराप्लेजिया आते हैं, टेट्राप्लेजिया को क्वाड्रीप्लेजिया भी कहते हैं, जिसमें आर्म्स, हैंड्स, ट्रंक, लेग और कुछ पेल्विस के ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकते, जबकि पैराप्लेजिया में ऑल पार्ट ऑफ ट्रंक या लेग्स और कुछ पेल्विक ऑर्गन के फंक्शन नॉर्मली लॉस हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट में जो सिम्टम्स जाहिर होते हैं उनमें लॉस ऑफ मूवमेंट, लॉस ऑफ सेंसेशन जैसा कि फील, कोल्ड, हॉट और टच सेंसेशन का ख़त्म हो जाना, लॉस ऑफ ब्लेडर कंट्रोल, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग और कुछ कफिंग भी हो सकती है। अगर हम इनकी काजेज की बात करें तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जिनमें किसी कार एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट और स्पोर्ट्स इंजरी, डाइविंग एक्सीडेंट, गन शॉट, इन्फेक्शन और डिजीज़ जिनमें पोलियो और स्पाइन बाइफिडा आते हैं। अल्कोहल यानी शराब यूज़ करने वाले लोगों में 25% ट्रॉमेटिक इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है और हमारी बोन्स भी डैमेज हो सकती हैं। अगर इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात की जाए तो ये MRI CT स्कैन के थ्रू इसका पता लगाया जाता है कि कहाँ पर नर्व्स में या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डैमेज है। उसके बाद हमारी हेल्थ केयर टीम या डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें या तो सर्जरी परफॉर्म की जाती है या तो फिर मेडिकेशन के थ्रू उसकी ट्रीटमेंट कर दी जाती है। अगर आपका वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल हो या आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।